Dear students, assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 27, which is based on unit 9, linear equation, exercise 9. जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? हमने व्हाट प्रॉब्लम थी हमारे पास क्या था जी? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि ट्वाइस अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ आवर नंबर इटसेल्फ इक्वल टू 20, फाइंड द नंबर. अब स्टेटमेंट को अगर हम गौर से पढ़े तो क्या है? ट्वाइस अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ. कहता है एक नंबर है, मेरे नहीं पता कौन सा नंबर है, अननोन नंबर है हमारे पास, उसका कहता है कि ट्वाइस कर दिया जाए उस नंबर को और उसका हाफ जो उसमें ऐड कर दिया जाए वो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है? 20 के आ जाता है. और उसका नंबर क्या करना है? हमने फाइंड करना है. हमने क्या करना है? जो अननोन नंबर हमारे पास है जिसका ट्वाइस और हाफ को ऐड करके इक्वल टू 20 आता है, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देता हूं मैं तो जो अननोन वैल्यू है, मैं लिखता हूं लेट द नंबर इज इक्वल टू, लेट द नंबर x, पहली बात तो ये क्या थी. अब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं ट्वाइस अ नंबर. अब अगर मैं ट्वाइस अ नंबर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा उसको? ट्वाइस अ नंबर पहले भी हम क्वेश्चन में कर चुके हैं. ट्वाइस अ नंबर होगा, ट्वाइस नंबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, सिंपल सी बात. और कहते हैं एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ. अब हाफ ऑफ नंबर क्या होगा? हाफ कितना होता है? 1/2x होगा. देखें क्या हो गया जी, मैंने अब स्टेटमेंट को पूरा लिख दिया क्या जी. हमने सपोज किया कि नंबर हमारे पास एक्स है, मुझे नहीं पता वो कौन सा नंबर है, वो अननोन नंबर है. उसका नंबर जो उसके जो अननोन नंबर को मैंने क्या कहा, उसने कहा उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक क्वेश्चन में जो अकॉर्डिंग है ट्वाइस अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इक्वल टू 20. मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं नंबर लेता हूं उसको कहता हूं एक्स है, ट्वाइस अ नंबर मैंने लिया तो वो 2x हो गया, हाफ ऑफ नंबर ले गया तो 1/2x हो गया. अब ये ट्वाइस अ नंबर और हाफ अ नंबर को कहते हैं ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है? इक्वल टू 20 आ जाता है. उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन बना के तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर हमारे पास आ जाएगा. तो मैं क्या कहता हूं उसको पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखते हैं हम, क्या आएगी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनेगा जी? 2x ट्वाइस अ नंबर एडेड हाफ ऑफ नंबर इज इक्वल टू 20. ये हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन बन गई. क्या बन गई इक्वेशन हमारे पास? ट्वाइस अ नंबर एडेड प्लस किया मैंने उसको हाफ ऑफ इस नंबर 1/2x इज इक्वल टू 20. अब मैंने इसको क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है. अब मेरे पास सॉल्व करने का क्या मेथड है? आपने सिंपल इक्वेशन जिस तरह सॉल्व करते थे वैसे हमने इसको सॉल्व कर लेना है. 1/2 है, लेकिन डिवाइडिंग में 2 है हमारे पास. अगर मैं इसका एलसीएम लेके सारे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नीचे वैल्यू में क्या है? 2 है. 2 को मैं क्या करूंगा? तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा. कैसे? ये जो नीचे 2 है इसको खत्म करने के लिए डिवाइडिंग में जो है इसको मैं तमाम नंबर से, यानी 1 टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तीन टर्म्स है, तीनों से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा. 2 × 2x कर दूंगा प्लस 2 × 1/2x कर दूंगा एंड 20 × 2 कर दूंगा. देखिए मैंने 2 को इन सब से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे डिवाइडिंग में क्या था? 2 था. इस 2 को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया? फर्स्ट टर्म से भी, सेकंड थर्ड टर्म से भी, तीनों टर्म्स के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पहला टर्म आ जाएगा 4x आ गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस x आ जाएगा, x आ जाएगा और 22 = 40. देखिए सिंपल सिंप्लीफाई हो गई हमारे पास. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास 1/2x था, इस डिवाइडिंग में जो 2 की वैल्यू थी मैंने इसको क्या किया? खत्म करने के लिए फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 × 2 = 4x आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 = x आ जाएगा और 22 = 40 आ जाएगा. 4x + x = 40. 4x और 1x ही आ जाएगा हमारे पास 5x. 5x = 40. अब देखिए सिंप्लीफाई होगी, x की वैल्यू के साथ जो 5 है मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड x 5 को डिवाइड कर देंगे, इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे. 40 डिवाइडिंग बाय 5 कर दिया, 5 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 = 8 = 40. x = 8 हमारे पास जो अननोन वैल्यू थी, ये जो नंबर था वो हमारे पास 8 आ गया. मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्वाइस अ नंबर. क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ट्वाइस अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इट्स इक्वल टू 20, फाइंड द नंबर. मैंने दोबारा क्या कहा जी, मैं पहले स्टेटमेंट पूरी करूंगा. क्या जी हमारे पास? मेरे पास अननोन, फाइंड द नंबर क्या है? मेरे पास अननोन नंबर है, लेट द नंबर इज, मैंने कहा दिया एक्स है. हमारे पास जो सोल्यूशन में आएगा वो क्या होगा? लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स. हमने नहीं पता कि कौन सा नंबर है, हमने वो नंबर फाइंड करना है. तो उसने जो स्टेटमेंट दी है उसमें क्या ट्वाइस अ नंबर, पहली स्टेटमेंट ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पे क्या है, ट्वाइस अ नंबर. सबसे पहले मैं ट्वाइस अ नंबर की बात कर रहा हूं. ट्वाइस अ नंबर 2x, देखिए यहां पे लिख रहा हूं 2x एडेड प्लस हाफ ऑफ 1/2x और इक्वल टू क्या? 20. ये देखिए मैं इक्वेशन पूरी लिख दी अपने,
टू एक्स प्लस हाफ ऑफ नंबर इज इक्वल टू 20. वही मैंने किया अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो उसने मुझे बात की थी कि ट्वाइस अ नंबर हाफ ऑफ अ नंबर एड करे तो वो इक्वल टू 20 आते हैं. यानी ट्वाइस अ नंबर हाफ ऑफ अ नंबर एड किए तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाता है. अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करके मेरे पास जो अननोन वैल्यू है या जो नंबर फाइंड करना है वो हमने फाइंड आउट करना है. तो टू यहां पर देखिए इसमें 2 डिवाइड हो रहा है 1 बाय 2 एक्स हाफ ऑफ एक्स है हमारे पास. इस 2 को मैं क्या करूंगा तमाम नंबर से यानी तमाम टर्म से फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा. मैंने मल्टीप्लाई किया 2 2 4 एक्स आ गया. 2 2 से कैंसिल हो गया एक्स 1 एक्स आ गया और 20 2 40 आ गया. 4 एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 हमारे पास आ गया. 4 एक्स प्लस एक्स 5 एक्स इज इक्वल टू 40 आ गया. 5 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखिए मैं सिंपल कर देता हूं इसको, इसको ना भी लिखें 5 से बहुत सारे डिवाइड ना करें, सिर्फ 5 वहां पे देखें यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ जाके डिवाइड होगा. 5 8 40 जो हम पहले क्वेश्चन पे करते थे मैंने वो कर दिया कि 5 को हम यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड से दूसरी तरफ जाएगा राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा. 5 8 40 जो अननोन नंबर था हमारे पास वो क्या आएगा, वो हमारे पास क्या आ गया 8. एक्स इज इक्वल टू 8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. जी स्टूडेंट लेक्चर 27 का हमारे पास क्या होम टास्क है, होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 6 जो भी मैंने सॉल्व किया है वर्ड प्रॉब्लम वो आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है.